पर्दे पर दिखने वाले लोगों की शक्ल अलग ही होती है और पर्दे के पीछे उनका चेहरा कुछ और ही कहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके दोनों चेहरे एक ही कहानी बयान करते हैं। दिल में भरपूर जिंदगी, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट और आवाज में अमृत। प्लीज वेलकम आशा जी। आपकी पर्सनालिटी, आपकी उम्र के जितने अलग लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, आपके इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। पता नहीं, मैंने कुछ जानबूझ के की नहीं, मैं ऐसी हूँ, बचपन से ऐसी हूँ और शायद स्वभाव भगवान देता है किसी किसी को ऐसा ही, वैसे मैं हूँ। आशा जी, आपकी ज़िंदगी के सबसे जो खूबसूरत पहलू है उसके बारे में बात करेंगे। योर कंपेनियन, योर पार्टनर, योर हस्बैंड, योर फ्रेंड, पंचमदा। पंचम शादी जरूर हमारी हुई, हस्बैंड से ज्यादा फ्रेंड था, क्योंकि हमारी एज ऐसी थी कि आसपास थे ना, ऐसे घूमने फिरने की वैसे नहीं थी। गाना रिकॉर्ड सुनना, गाना उसने तैयार करना, मुझे सुनाना, देखिए गाना मैंने बनाया, ज़रा मेरा ऐसा हुआ तो बोलते थे ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा दूसरा करता हूँ। हमारा रिलेशन ऐसा था, एक सिंगर और एक म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक का ये था, जोड़ी थी और ये हमेशा से ऐसी रही। और उसको पता होता था कि आशा कोई गाना पसंद दे तो वो मुझे टाल देता था, इसको मत दो ये गाना। अच्छा। यहाँ तक मैंने उसको बोला था, मैंने कहा पंचम मेरे को तू ऐसे ऐसे गाने गवाता है पिया, तू ये वो सब अच्छे अच्छे गाने दीदी को देता है, मेरे को क्यों नहीं देता एक अच्छा गाना, बाहों में चले आओ मुझे क्यों। तो कहने लगे नहीं, उसका गाना अलग है, तुम्हारा गाना अलग है, दीदी दीदी है, तुम हो। तो मैंने कहा मेरे में उसमें क्या फ़र्क है। बोले एक ब्रैडमैन है और एक सोबर है। तो मैंने कौन सोबर है, बोले तू सोबर है और वो ब्रैडमैन। और मुझे कहा कि अगर तू बोलेगी कि मैं पिया तू नहीं गाती हूँ तो मैं ऐसे गाने बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि और कोई नहीं गा सकता। गुलजार ने ला के गाना दिया, ऐसे पढ़ा, ये क्या टाइम्स ऑफ इंडिया लाया क्या, हट। और अपनी जबान में उनको दो चार सुना दी। मैं चुपचाप ऐसे लोड था, लोड के ऊपर ऐसे बैठी हुई थी, तो गाना सामने था, तो मैंने कहा कि मेरा कुछ सामान, वो ऐसे सामने हाथ में सिगरेट लेके घूम रहे थे गुस्से में। अच्छा। ऐसा गाना गंदा है करके। हाँ। मेरा कुछ सामान, क्या क्या गाया गा, तूने क्या गाया, फिर से गा। मैंने कुछ नहीं गाया, मैं डर गई, मैंने कुछ नहीं गाया, कुछ नहीं। मेरा कुछ सा बाजा डोले जाए तुम्हारे पास, ऐसे गाना बना छटाक से, पूरा गाना तैयार करके 5 मिनट में दे दिया। यानी इतना क्विक और इतना इंटेलिजेंट म्यूजिक डायरेक्टर मैंने नहीं देखा। भगवान ने जो चीज़ बहुत साल पहले मेरे से सब छीन लिया, जो मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ थी वो छीन ली, परिवार के एक पर औरत को जो चाहिए वो छीन लिया, जो 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 चीज़ मेरे से दूर गई, मेरे फ्रेंड समझ लो, मेरे हस्बैंड की बात समझ लो, कोई भी, तो ये जो मेरा अभी संसार है उसमें उसने पूरा कर दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा पूरा किसने किया, मैं बताऊँ आपको, रिपब्लिक।